गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, मैं नवीन जोशी, कक्षा 11। आज प्रश्नावली है 5.1। 5.1 में प्रश्नावली है एक्सरसाइज 5.1 का पहला प्रश्न। ये दे रखा है 5i - 5i गुणा -3/5i कह रहा है a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 5i - 3i / 5 से 5 कैंसिल हो गया, -3i² - 3 - -1 + 3 और ये होता है a प्लस आई बी बराबर 3 + i = 0। ए का मान 3, बी का मान 0। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। i की पावर में 19। तो देखिए इसको मैंने लिख दिया i की पावर 8 + 1, i की पावर 16 + 3। इसे मैंने लिख दिया 402 + 1 और इसे लिख दिया मैंने 4 × 4 + 3। ये हो गया i की पावर 4 × 2 × i³। ये हो गया 1 × i³। ये हो गया i और i + i³ - i = 0। a + ib = 0 + i = 0 या a का मान 0 b का मान 0। क्वेश्चन नंबर 3, 3 है i की पावर -39। इसको लिख लिया 1/i³ या ये हो गया i की पावर 14 - 1। ये हो गया 1/i 4×10 - 1। ये हो गया 4×10 × i³ - 1। ये चला गया i ऊपर, ये हो गया 1, कुल मिला के i। तो ये हो गया a + ib = 0 + i। इस तरीके से हो गया i की पावर -1 i। ये हो गया हमारा i 39 1 14 - 1। ये हो गया 4×10 40 - 1 39 - 1। इसका मान हो गया 1, i ऊपर चला गया। इसको मैंने लिखना है a + ib के रूप में 0 × i, b का मान भी 0। इस तरीके से नेक्स्ट ये हो गया i 39 का मान है 4i। इसी प्रकार अगले चौथे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा 14। ये लिखा है 3 7 + i 7 i 7 + i 7। इसका मान निकालना हमें, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 21 + i 21। ये हो गया i × 7 और ये हो गया i² × 7। 21 21 i 7 i
इसका मान माइनस सेवन, तो ये हो गया 21 माइनस सेवन, और ये हो गया 21 प्लस सेवन इंटू आई 14 प्लस 28 आई। यहाँ से हम चाहें तो 7 कॉमन ले लें 24, इस तरीके से ये a प्लस आई बी के रूप का हो गया। अगर यहाँ a का मान लिखा जाए, a का मान 40, b का मान 28, इसके बाद में अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। 5, पांचवा क्वेश्चन ये है 1 माइनस आई माइनस माइनस 1 प्लस आई इंटू बी आई इंटू 6 आई इंटू 6, ये हो गया 1 माइनस आई माइनस 1 आई इंटू 6। चलिए इसका अगर कंक्लूजन बना रहे हैं, 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस आई इंटू 6, 1 ओवर हो गया 2 माइनस आई इंटू 7, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस आई बी बराबर 2 माइनस आई इंटू 7, a का मान 2 बी का मान माइनस 7। अगला क्वेश्चन 6 छठा, ये दे रखा है 1 प्लस 5 प्लस आई इंटू 2 अपॉन 5 माइनस 4 प्लस आई इंटू 5 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 5 प्लस आई 2 अपॉन 5 माइनस 4 प्लस आई 5 अपॉन 2, इसको हल करना है। तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन 5 प्लस आई इंटू 2 अपॉन 5 माइनस 4 आई इंटू 5 अपॉन 2, 1 अपॉन 5 माइनस 4, और ये हो गया 2 अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू आई, तो ये हो गया 1 अपॉन 20 अपॉन 5, और ये हो गया हमारा 4 इंटू 25 अपॉन 10 इंटू आई, तो ये होगा माइनस 19 अपॉन 5 प्लस आई, और ये हो गया माइनस 21 अपॉन 10। तो इस तरीके से हो गया ये a प्लस आई बी बराबर माइनस 19 अपॉन 5 प्लस आई 20 10, या a बराबर माइनस 19 अपॉन 5 और b बराबर माइनस 21 अपॉन 10, इस तरीके से ये इसके मान हो गए। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 1 माइनस आई की पावर 4। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस आई की पावर 4। 1 माइनस आई की पावर 4, इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस आई स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर 1 माइनस 2i माइनस 1 1 माइनस 2i माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया माइनस 2i और माइनस 2i, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4i स्क्वायर, या 4 गुणा माइनस 1 या माइनस का 4। इस तरीके से ये हो गया a प्लस आई बी बराबर माइनस 4 आई इंटू 0, ए का मान माइनस 4 बी का मान 0। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट अगले उसमें बताया जाएगा आपको।